नमस्कार दोस्तों दोस्तों करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में ये 10वां लेक्चर है। और ये लेक्चर जैसा कि मैंने पहले आपको पहले ही बताया था कि कोरोना स्पेशल होगा, यानी कि जो कोविड-19 की समस्या इस समय चल रही है, लॉकडाउन पूरे देश में लागू है, ठीक है। तो इससे संबंधित यानी कि कोरोना से, कोविड-19 से और लॉकडाउन से संबंधित जो भी प्रश्न, यानी कि पिछले जब से 22 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ है या जब से जो है ये कोरोना की समस्या फैली हुई है चाइना से, तब से लेकर अब तक इससे संबंधित क्या क्या घटनाएं घटी हैं, किस देश ने, किस राज्य ने, किस संस्था ने क्या इसके कदम उठाए हैं, क्या कुछ नया लॉन्च किया है, क्या प्रयास किए हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, कई जगह से, कई मैगजीन से और इंटरनेट से, बहुत सारे सोर्सेज मैं काफी दिनों से इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, काफी इस पर मैंने मेहनत की है। तो करीब आपको हम 50-60 प्रश्न ऐसे देंगे जो कि कोरोना से संबंधित हैं, कोविड-19 से संबंधित हैं, और जो ये समस्या है काफी, चूंकि वैश्विक महामारी है, वैश्विक समस्या है ये, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगामी जो भी परीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित सवाल जरूर पूछा जाएगा। अब वो सवालों की संख्या कितनी हो सकती है ये डिपेंड करता है परीक्षा पर, ठीक है। फिर भी हमारी कोशिश ये होगी कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम बनाएं और देखें कि कहां कहां से प्रश्न आने की संभावना है। तो वही हम काफी दिनों से प्रयासरत थे, आज हमने आपको पहला वीडियो देने का प्रयास किया है। इसके बाद और भी आपको हम इससे संबंधित मैटर देंगे, तो 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा कोरोना स्पेशल जो है टॉपिक है वो आपका हम कवर करा देंगे, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर शुरुआत करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि कोरोना क्या है, ये कोविड-19 है क्या, ये किस वायरस किस परिवार का है, इसकी संरचना कैसी है, कहां से फैला है, इसका जो कोरोना का मतलब क्या है, किस भाषा से लिया गया है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या लक्षण है, ठीक है। ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक, मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए, तो इससे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था जब ये कोरोना की समस्या आई थी, वो कोरोना स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था। वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जो करंट टॉपिक वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो कोरोना का एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको अगर आप देख लें पहले और इसके बाद इसको आप पढ़ें तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि वो वाला वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है, मुश्किल से 8 या 10 मिनट का होगा, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। तो कोविड-19 या कोरोना है क्या, वास्तव में उसका मतलब जो मूल रूप में क्या है, मतलब कैसी समस्या है, कहां से उत्पन्न हुआ है, ये सारी बातें वहां पर दी हुई हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के हम करंट अफेयर्स की टॉपिक की, जो कोरोना स्पेशल है, सारी बातें कोरोना से या कोविड-19 से संबंधित होंगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, और मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर करीब 28-30 प्रश्न हैं, तो मैंने क्वेश्चन फॉर्म बनाया है कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित सेंटर किस अस्पताल में बनाया गया है, ठीक है। ये रिलायंस फाउंडेशन ने अपना जो है एक हॉस्पिटल समर्पित किया है कि जहां पर सिर्फ जो है कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज होगा, तो ये मुंबई में बनाया गया है और उस अस्पताल का नाम है सेवन हिल्स हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर स्थान पूछा जाए तो बता दें कि मुंबई में जो है रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया हॉस्पिटल मुंबई में, और उसका नाम क्या है, सेवन हिल्स हॉस्पिटल, ठीक है। अगला है, वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले किस देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, चीन ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था, और आपको ये भी पता होगा कि चीन के वुहान शहर से इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है, सबसे पहले वहीं पर फैला हुआ था, ठीक है। अगला है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, यानी कि भारत में जो लॉकडाउन लागू किया गया है तो सबसे पहले किस राज्य ने अपने यहां लॉकडाउन किया था, वो है राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है, राजस्थान में। अगला है, हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज, ये एक जो है कैंपेन है, ये किसने शुरू किया है, ये डब्ल्यूएचओ ने शुरू किया है, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने ये कैंपेन ये अभियान शुरू किया #SafeHandChallenge। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा कि इसके महानिदेशक कौन है। ठीक है, इसके महानिदेशक यानी WHO के महानिदेशक कौन है, और एक भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय महिला वैज्ञानिक है वो भी इससे जुड़ी हुई है, उनका नाम बताइए कौन है। अगला है, किस देश ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? ठीक है, तो ये अपना देश ही है, भारत ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, क्या नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य की सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। अगला है, किस शहर के नगर निगम ने C19 लिखा, ये कोविड 19 है, C19 का मतलब कोविड 19 है, C19F विकसित किया है, ये नागपुर है। ठीक है, ये C19F जो है नागपुर नगर निगम ने लॉन्च किया है इन्हीं जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में। अगला है, किस शहर के अस्पताल ने C19 मरीजों के लिए रोबोट तैनात किए हैं? ठीक है, ध्यान रखना है, रोबोट किस अस्पताल में तैनात किए हैं, ये जयपुर का एक अस्पताल है, उसने जो है रोबोट तैनात किए हैं कि रोबोट जो है इन मरीजों का इलाज करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। और अगला है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये है फेफड़े यानी कि लंग्स। ठीक है, ये लंग्स को प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले इसमें जो है सर्दी जुखाम वगैरह, हल्का बुखार रहेगा, श्वास नली में जो है स्वेलिंग आ सकती है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, जब और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है तो फिर सीधे सीधे ये फेफड़े यानी कि लंग्स प्रभावित होते हैं, तब जो सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या होने लगती है। अगला है, किस योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीजों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये भारत सरकार की आपको पता योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य अभियान। इस योजना के तहत या इस अभियान के तहत जो भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं या मरीज हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य अभियान के तहत। अगला है, किस राज्य सरकार ने C19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है? स्पेशल अस्पताल होगा कोविड 19 के लिए, ओडिशा सरकार ने ऐसी घोषणा की है, और ये अस्पताल देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा जिसमें लगभग 1000 बेड होंगे। ठीक है, 1000 वहां पर बेड होंगे, तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा जो कि कोविड 19 को समर्पित होगा। अगला, C19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है गोवा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टूल का मतलब ये है कि एक तरह से ये टूल है, ठीक है, और मतलब मोबाइल उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और तो ये जो अपने आप इसका जो है आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं है, उसमें कई सारे विकल्प हैं, कई सारे ऑप्शंस पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो इस आधार पर आप स्वयं इस बात की जांच कर सकते हैं कि आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं है। अगला है, क्रिसिल CRISIL, ये क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो बहुत कम है, 3.5% ये अनुमान व्यक्त किया है कि 2021 में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह से डवाडाउन हो गई है, सारा सिस्टम बिगड़ गया है, चाहे उद्योग हो, चाहे जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी हो, आप देख रहे सब कुछ एकदम से गड़बड़ हो गया है, डवाडोल हो गया है। तो क्रिसिल ने यह अनुमान लगाया कि भारत की GDP 2021 में 3.5% रह सकती है। अगला है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है कोरोना वायरस। ठीक है, यानी कोरोना नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। अगला, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो ये क्राउन के समान देती है, और ये क्राउन का मतलब होता है ताज, या ये मुकुट की तरह दिखाई देता है, क्राउन की तरह दिखाई देता है,
और क्राउन से ही नाम पड़ा है कोरोना, ठीक है। और कोरोना क्या है, सूर्य का जो एक हिस्सा होता है वो भी कोरोना है, तो सूर्य के उस कोरोना वाले भाग के तरह भी ये दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। और क्राउन या मुकुट के जैसी इसकी संरचना है अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। अगला है, कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, किस देश के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली है, यानी इतने ज्यादा परेशान हो गए कि सुसाइड ही कर लिया, वो भी वित्त मंत्री थे, जर्मनी के वित्त मंत्री थे, कौन है, थॉमस साइफर, इनका नाम है थॉमस साइफर, इन्होंने सुसाइड कर लिया है, कोरोना वायरस से ही परेशान हो गए थे। अगला है, पाकिस्तान के किस स्क्वैश खिलाड़ी ने, स्क्वैश आपको पता है खेल होता है, स्क्वैश खिलाड़ी ने कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, उनका नाम है आजम खान, ठीक है। ये पाकिस्तान के स्क्वैश खिलाड़ी थे, तो काफी दिनों से ये कोरोना की वजह से बीमार थे, संक्रमित थे, और अंत में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। अगला है, मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा की है, तो आपको पता होना चाहिए ये 500 रुपए उनको 3 माह तक दिए जाएंगे, पहली किस्त अप्रैल में जारी की जा चुकी है, ठीक है। इन जो भी गरीब महिलाएं हैं तो उनके जनधन खाते में प्रत्येक महीने 500 रुपए डाल दिए जाएंगे 3 महीने तक, यानी कुल मिलाकर के 1500 रुपए 3 महीने में डाले जाएंगे, और अप्रैल में प्रथम किस्त जारी हो चुकी है। अगला देखिए, किस शहर की पुलिस ने कोरोना से जुड़े प्रैंक्स और जोक्स, जो प्रैंक्स मतलब जोक्स मजाक वगैरह लोग बनाते हैं ना, मजाक वीडियो बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, पर पूरी तरह रोक लगा दी है, तो ये पुणे की पुलिस है, पुणे पुलिस ने कोरोना से जुड़े प्रैंक्स और जोक पर पूरी तरह से रोक लगा दी, यानी कि कोई व्यक्ति कोरोना से संबंधित प्रैंक्स और जोक्स नहीं बना सकता है। अगला है, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन से ऐप लॉन्च किए हैं, तो ऐप है कोरोना कवच और आरोग्य सेतु। इससे क्या होगा, कोरोना कवच और आरोग्य सेतु से क्या होगा कि जो भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहां कहां पर हैं। अगला है, किस संस्था ने बायो सूट तैयार किया है, तो ये DRDO, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि DRDO का पूरा नाम क्या है, हिंदी में और अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, और जो बायो सूट तैयार किया, बायो सूट क्या है, ये विशेषता डॉक्टर्स के लिए बनाया गया, डॉक्टर्स इसको पहनेंगे, इसको पहनकर के इलाज करेंगे ताकि उनके ऊपर कोरोना का कोई असर दिखाई ना दे या वो प्रभावित ना हो उससे। अगला, C19 यानी कि COVID-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है, ये है भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय थल सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। अगला है, अमेरिका के किस प्रसिद्ध कॉमेडियन का कोरोना के कारण निधन हो गया है, तो यह है केन शिमुरा, ठीक है, अमेरिका के बहुत ही फेमस कॉमेडियन रहे हैं केन शिमुरा, तो ये कोरोना से संक्रमित हो गए थे, तो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने C19 यानी कि COVID-19 के कारण मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है, तो ये मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि की गई है, पहले 182 रुपए थी, अब जो है 20 रुपए बढ़ा करके 202 रुपए मजदूरी कर दी गई, ठीक है, 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। किस देश ने कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है, तो आपको पता है अभी हाल ही में चर्चा में ये रहा है, ये भारत है, भारत ने एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है कि इसके लिए कौन सा एंटीबॉडी उचित रहेगा जो कि कोरोना वायरस को रोक सकता है। C19 यानी कि COVID-19 के कारण RBI ने रेपो रेट को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है, तो ये 4.4% कर दिया है, इसको रेपो रेट को घटाकर, ठीक है। रेपो रेट क्या होती है, ये आपको हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, CRR, SLR, ये सारी बातें आपको हम बहुत ही डिटेल में बताएंगे, एकदम से बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है। जल्दी आपको हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ाने वाले हैं, उसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सब कुछ आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और अंतिम प्रश्न है, क्वारंटाइन लोगों की पहचान करने के लिए
ना मिटने वाली स्याही के उपयोग की घोषणा किसने की है? तो निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया है, बल्कि घोषणा की है कि जो क्वारंटाइन लोग किए गए हैं उनके हाथ में एक स्याही लगा दी जाए, जो स्याही आप वोट डालने के दौरान लगाई जाती है ना, ताकि वो छूटे ना, तो पता चल जाए कि हाँ ये व्यक्ति क्वारंटाइन हो चुका है और ये इससे संबंधित रहा है, तो उससे मतलब जो है उन लोगों की पहचान करने में सुगमता होगी, इसलिए निर्वाचन आयोग ने ना मिटने वाली स्याही लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये था कोरोना स्पेशल का पहला वीडियो। इसके बाद आपको एक या दो वीडियो और मिलेगा जो कोरोना से ही संबंधित होगा। तो मुझे लगता है कि कोरोना संबंधित जो भी सवाल होंगे आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, और अगर परीक्षा में ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से सही करके आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, जैसे ही कोरोना के लेक्चर खत्म होगा हम आपको जिस तरह से सीरीज चल रही थी वैसे करंट पढ़ाना फिर शुरू कर देंगे, यानी कि करंट ही है, ये करंट का पोर्शन ही है, पार्ट 10 है ये। ठीक है, और अभी करंट तो काफी बचा, मुझे लगता है जितना हो गया है इतना ही और बचा, कम से कम 8-10 लेक्चर और आपको पढ़ाने होंगे, तब जाकर के मेरा साल भर का करंट पूरा होगा। तो और करंट जब अगर पूरा हो गया तो आप देखेंगे कि एक आपके पास अच्छा खासा मटेरियल उपलब्ध हो गया होगा, और आप उसको जब पढ़ के जाएंगे परीक्षा में तो मैक्सिमम प्रश्न वहीं से आएंगे और आप सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल सही करके आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।